वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारीक क्लियर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग एक्सपर्ट। दोस्तों आज हमारे पास एक रिचार्जेबल टॉर्च है। दोस्तों इसका मसला ये है कि ये ऑन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दोस्तों ये मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूं, ये ऑन किया मैंने, ये देखो दोस्तों ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको चार्ज में लगा के आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये बैटरी को चार्ज तो करता है लेकिन ये ऑन नहीं होता है। दोस्तों ये हमारी सीरीज, दोस्तों ये इसको मैंने लगाया सीरीज में, ये आप दोस्त ये देख सकते हैं आप, ये सीरीज़ को मैंने ऑन किया है। ये देखे दोस्तों, ये बैटरी को चार्ज तो करता है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी को चार्जिंग बिल्कुल ठीक तरह से चार्ज कर रहा है दोस्तों, लेकिन इसका जो मसला है वो बिल्कुल भी ऑन नहीं होता है। दोस्तों हो सकता है इसकी बैटरी में मसला हो या अंदर से कोई वायर ब्रेक हो गई है, इसलिए ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों तो आज इसे हम रिपेयर करेंगे और आप दोस्तों को सिखाएंगे इसे किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये सीरीज़ को हम साइड में रखते हैं और इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये आगे वाला हिस्सा है इसको खोलेंगे। चलिए दोस्तों इसे खोलते हैं। ये मैंने खोल ली और यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ होता है दोस्तों, इसे भी खोलना होता है। तो चलिए दोस्तों इसे खोलते हैं। ये देखे देखो दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसे ओपन किया है इस बटन को, इसको साइड में रखते हैं और ये इसका चार्जिंग वाला पिन है, इसको भी साइड में रखते हैं। ये इसका बैटरी है दोस्तों, इसका वायर बिल्कुल, इसके जो वायर हैं ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कहीं से ब्रेक नहीं, कहीं से भी टूटे हुए नहीं है, कहीं से भी डीप सोल्डरिंग नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये आगे वाले LED के ये जो दो वायर ये बिल्कुल लगे हुए हैं ठीक तरह से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो है ये बैटरी को चेक करते हैं कि ये ख़राब नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे निकालते हैं और मल्टीमीटर से इसके वोल्ट्स को चेक करते हैं। ये है दोस्तों मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को आपने DC 20 पे रखना है। सबसे पहले इसके वोल्ट्स हम चेक करेंगे बैटरी के, पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाना है दोस्तों और नेगेटिव को नेगेटिव पे रखना है। ये देखें दोस्तों हमें वोल्ट्स बिल्कुल भी बिल्कुल कम मिल रहे हैं, 1.83 वोल्ट्स मिल रहे हैं जो बिल्कुल कम है दोस्तों। और मेरे पास एक नया बैटरी पड़ा हुआ है दोस्तों, मैं उसके वोल्ट अब दोस्तों को चेक कराता हूं। तो इसको साइड में रखते हैं और ये मैं नया बैटरी लेके आया हूं मार्केट से, इसके वोल्ट्स को हम चेक करते हैं कि इसमें हमें कितने वोल्ट्स मिलते हैं। ये बिल्कुल नया बैटरी है दोस्तों, ये देखें दोस्तों 4.22 वोल्ट्स हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब है ये हमारा जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड है दोस्तों, इसका जो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल डेड है दोस्तों। ये हमारा बैटरी है ये बिल्कुल नाकारा हो चुका है। तो इससे हम ये नया बैटरी लगाएंगे और देखेंगे ये हमारा जो टॉर्च है ऑन होता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इससे इसका नया बैटरी लगाते हैं और देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। ये देखें दोस्तों इसके वोल्ट्स बिल्कुल ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे चेक, ये नया बैटरी लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो टॉर्च है वो ऑन होता है या नहीं। तो सबसे पहले इसे हम अपनी जगह पे अच्छी तरह से फिक्स करेंगे। ये फिक्स हो गया दोस्तों, इसका ये बैटरी है ये हम लगाएंगे। बैटरी को अच्छी तरह से
ये जो दो लॉक्स हैं इनमें बिठाना है बैटरी को दोस्तों अच्छी तरीके से। ये हमारा बैटरी अच्छी तरीके से बैठ चुका है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये जो दो लॉक हैं इनमें अच्छी तरीके से आपने बैटरी को बिठाना है। अभी इसको हम चेक करते हैं कि हमारा जो टॉर्च है वो ऑन होता है या नहीं, रिचार्जेबल टॉर्च है वो ऑन होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है दोस्तों। इसका मतलब है ये हमारे बैटरी का मसला था। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। और तो इसे फिट करते हैं और देखते हैं कि इसको चार्ज में लगा के देखते हैं कि ये हमारी बैटरी को चार्ज करता है या नहीं करता है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम इसका चार्जिंग का पिन लगाते हैं। ये यहाँ पे अच्छी तरीके से आपने लगाना है दोस्तों। ये मैंने लगाया दोस्तों इसका ये पिन, चार्जिंग का पिन, ठीक है दोस्तों। और ये हम इसका ऊपर वाला ढकना लगाएंगे। ये लग गया दोस्तों इसका। सबसे पहले इसका जो ये आगे वाला एलईडी है इसको हम लगाएंगे, और इसको जो ये आगे वाला जो ये कवर है इसको लगाएंगे। ये लग गया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो ये स्क्रू है एक यहाँ पे, इसको हम अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। ये टाइट हो चुका है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये जो हमारा पिन है ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क करता है अभी, ठीक है बिल्कुल। और इसे अभी हम सीरीज़ में चेक करते हैं कि ये हमारी बैटरी को ठीक तरह से चार्ज कर रहा है। चलिए दोस्तों इसे चेक करते हैं। ये रहा हमारा सीरीज़, और सीरीज़ से हम इसको चेक करेंगे। ये सीरीज़ को मैं ऑन किया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी बैटरी को बिल्कुल ठीक तरह से चार्ज कर रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं सीरीज़ ऑफ करता हूँ, इसका बटन लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये हमारा टॉर्च है बिल्कुल ओके हो चुका है दोस्तों। इसका जो ये बैटरी फॉल्ट था वो बैटरी का था दोस्तों, इस बैटरी का। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में जा चुका है दोस्तों, ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है अभी, ये रिपेयर भी नहीं होगा। इस तरह का जो ये नया बैटरी है दोस्तों, ये आपको 50 से 60 रुपये का मिल जाएगा मार्केट से, आसानी के साथ आप ले सकते हैं और अपने टॉर्च में लगा सकते हैं दोस्तों। और लगाने का तरीका भी आप दोस्तों ने देखा, बिल्कुल ये आसान है इसको लगाना। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक तरह से अभी वर्क करता है। ये देखें दोस्तों, तो दोस्तों आज की उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।